लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ और चार नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है। शपथ लेने वालों में बीजेपी से दो मंत्री हैं, एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से और एक मंत्री आरएलडी के कोटे से बनाया गया है। बीजेपी से दारा सिंह चौहान और साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली और आरएलडी से मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया। योगी कैबिनेट के विस्तार में लोकसभा चुनाव की रणनीति झलकती है। इसमें ओबीसी और दूसरी जातियों का ख्याल रखा गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ओबीसी समुदाय से आते हैं, पूर्वांचल में इनका खासा असर है। इनके मंत्री बनने से पूर्वी यूपी की 7 से 8 लोकसभा सीटों पर असर जरूर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान भी ओबीसी की नोनिया जाति से हैं और ये भी पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं। आरएलडी के अनिल कुमार को मंत्री बनाकर बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की है। अनिल कुमार दलित जाटव जाति के हैं, इनको मंत्री बनाने का मकसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के वोट बैंक को काटना भी है, साथ ही पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक को पाले में लाना भी है। सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। सुनील शर्मा का भी पश्चिमी यूपी में असर है और ये लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर लीक होने से योगी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है और पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटाकर राजीव कृष्ण को पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अब उन्हें डीजी विजिलेंस के साथ साथ भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजीव कृष्ण को ये जिम्मेदारी इसलिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपी है क्योंकि उनकी गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के तौर पर की जाती है। साल 2004 में आगरा एसएसपी के तौर पर उन्होंने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था और बीहड़ के अपराधियों का सफाया कर दिया था, इसलिए सरकार ने उन्हें इस बार पेपर सॉल्वर गिरोह के सफाई की जिम्मेदारी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात के निर्देश दिए हैं कि एक भी अपराधी किसी भी कीमत में बचना नहीं चाहिए। और चर्चा इस बात की भी है कि आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी कर ली गई है और इसीलिए यूपीएसटीएफ की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए देश भर के तमाम बड़े शहरों में छापा मार रही है। चूंकि 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर लीक होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी और सरकार ने 6 महीने बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा फिर से कराने का फैसला किया है, लेकिन पेपर लीक होने से 48 लाख छात्रों को जो परेशानी उठानी पड़ी है इसके बाद सरकार का रुख बेहद सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्लान बनाया है, मतलब जो लोग पेपर लीक कराने में शामिल रहे हैं उनकी शामत आना बाकी है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ेगा और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जिन्होंने यूपी पुलिस का पेपर लीक कराने का दुस्साहस किया है वो न घर के रहेंगे न घाट के। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते, लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए। ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने की वजह से कोई परीक्षा रद्द की गई है। इससे पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर पहले ही लीक हो चुके हैं। हाल ही में आरओ एआरओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2 मार्च को परीक्षा रद्द कर दी थी। इससे पहले 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नवंबर 2021 में यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ, जिसमें 26 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है, जिसमें 11 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। वहीं 24 जुलाई 2017 को एसआई परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है, जिसमें 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। पेपर लीक होने का यह सिलसिला पिछली सरकारों में भी जारी रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मार्च 2015 में यूपी सिविल सेवा परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वहीं जून 2014 में सीपीएमटी का पेपर लीक हुआ था। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ ये सख्ती अब राजस्थान में भी देखने को मिली। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नकल करके नौकरी पाने वालों पर बड़ा एक्शन लिया।
और राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में नकल करके नौकरी पाने वाले 15 ट्रेनी दारोगा हिरासत में ले लिए गए। इस मामले में एसओजी ने कई ऐसे खुलासे किए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। एसओजी ने खुलासा किया कि एसआई भर्ती परीक्षा का टॉपर नरेश अपनी मेहनत से नहीं बल्कि पेपर लीक होने की वजह से टॉपर बना। आरोप है कि जो 15 ट्रेनी दारोगा पकड़े गए हैं उन्होंने पेपर लीक की वजह से लिखित परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास किया। चयनित किए गए थानेदारों में कई तो ऐसे हैं जिन्हें सामान्य सवालों के जवाब तक नहीं पता। 2021 का आरपीएससी का सब इंस्पेक्टर परीक्षा हुआ था, उसमें इस गैंग ने पेपर आउट करके और विभिन्न लोगों को की समेत उपलब्ध कराया था, जिसके बेसिस पे वो परीक्षाओं में सिलेक्ट हुए हैं। एसओजी की टीम अब सभी 15 ट्रेनी दारोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई एसआई परीक्षा को आउट कराने वाले मास्टरमाइंड की तलाश भी की जा रही है।